दोस्तों नमस्कार। तो हम पढ़ते एक कहानी। कहानी का नाम है बुद्धिमान मुर्गी। एक समय एक गांव में एक बुद्धिमान मुर्गी रहती थी। उसके बहुत सारे चूजे थे, इसीलिए वह दाना चुगकर उन्हें खिलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। ये मुर्गी अपने चूजों के लिए दाने लाने के लिए खेतों में आई हुई है। एक दिन मुर्गी खेत में जाकर दाना ढूंढने लगी। वह ढूंढती रही परंतु उसे एक दाना भी नहीं मिला। उसने घर पर अपने भूखे चूजों के बारे में सोचा तो उसने दाना ढूंढने की मेहनत दुगनी कर दी। ये मुर्गी दाना ढूंढ रही है खेत में, लेकिन इसको कहीं दाना नहीं मिला। तो इसने ये अपने बच्चों के बारे में सोच के अपनी मेहनत को दुगनी कर दिया। जब वह खेत में चोंच से खोदने लगी तो उसने एक दमकता हीरा देखा। उसने उसकी निकटता से जांच की तो जाना कि वह एक अमूल्य पत्थर है। ये मुर्गी अपने लिए दाने ढूंढ रही थी चोंच से जमीन को खोद खोद के, तो उसको एक दमकता हुआ पत्थर दिखा। तो उसने सोचा कि ये तो एक अमूल्य पत्थर है। मुर्गी ने अपने आप से कहा, यह हीरा किसी और के लिए बहुत मूल्यवान होगा। वह किसी राजा के मुकुट में अधिक ठीक बैठेगा या किसी रानी के छोटे ताज पर, परंतु मुझे हीरे नहीं चाहिए। मुझे अपने चूजों को खिलाने के लिए कुछ दाने चाहिए। मैंने बच्चों के लिए दाने हीरे से अधिक मूल्यवान है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। यानी कि ये मुर्गी है जो अपने आप सोच रही है कि भाई मुझे तो दाने चाहिए, मुझे हीरा नहीं चाहिए। ये हीरा तो किसी राजा के मुकुट में या फिर रानी के छोटे ताज में अच्छा लगेगा। मेरे को हीरे से क्या जरूरत, मेरे को तो मेरे बच्चों को हीरे दाने चाहिए, हीरा नहीं चाहिए। तभी मुर्गी ने उस हीरे की दूसरी ओर दूसरी बार नहीं देखा। यानी कि तब मुर्गी ने उस हीरे की ओर दूसरी बार नहीं देखा। यानी कि बच्चों के दाने के बारे में सोचकर मुर्गी ने हीरे को दोबारा नहीं देखा। वह खेत के दूसरे भाग में दाना ढूंढने गई। यानी कि मुर्गी को हीरे से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए दाने चाहिए थे, तो उसने उस हीरे को दोबारा नहीं देखा और वो दाना ढूंढने दूसरे खेत में चली गई।